नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। हम बात करेंगे बारी बारी से और देखेंगे क्या है हमारे आज के इस सेशन में। सबसे पहले हमने लिखा इसमें कि सौर मंडल, आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल्स में लिखा था सौर मंडल, सौर मंडल क्या है ये पता होना चाहिए। सौर मंडल की अगर परिभाषा की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि सौर मंडल में सूर्य होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उच्छल तारे, उल्कापिंड वगैरह सारे इसमें जो होते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर मैं कहूँ कि सौर मंडल वह है जिसमें सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं। नहीं समझ में आया? आएगा बिल्कुल समझ में। मैं कह रहा हूँ कि सौर मंडल वह है जिसमें सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधे हुए हैं। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस बल ने सूर्य के साथ साथ जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो आपके उच्छल तारे हैं, जो उल्कापिंड हैं, उन सभी को क्या करा हुआ है, एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है। और इस सभी जो बंधी हुई अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, सौर मंडल कहेंगे। इंग्लिश में बात करें तो इसी को ही सोलर सिस्टम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सोलर सिस्टम कहा जाएगा। आई होप कि आप लोगों के पास मैसेज पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा तो अभी आपके पास मैसेज पहुंचा देते हैं। चलिए भी जल्दी से जुड़ जाइएगा, अभी सब लोग बात करेंगे बेहतर तरीके से। यानी हमने आज जो टॉपिक चलाया हुआ है वो क्या है हमारा, सौर मंडल। सौर मंडल से तात्पर्य सूर्य वे उसके साथ वे सभी सम्मिलित खगोलीय पिंड जो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से बंधे हुए हैं आपके सौर मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। देखिए ये हमारा सौर मंडल है। क्या है ये? हमारा सौर मंडल है। अब इस सौर मंडल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने कल भी आपको बताई थी, एक बार पुनः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग सुनेंगे। ये हमारा सूर्य है। सूर्य का जो ये हिस्सा है ये क्या है भैया? तो ये जो है ये हमारा सूर्य है और सूर्य की रोशनी बराबर इधर को चल रही है। ये हमारा एक ग्रह है, ये भी एक ग्रह है, ये एक ग्रह है और ये सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह यानी जुपिटर यानी बृहस्पति, और ये हमारा शनि, और ये आपका हो गया अरुण, और ये आपका हो जाता है वरुण। यानी ये सौरमंडल की चीज़ें हैं जो मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। यानी इसको हिंदी में बात करूँ तो इसको कहा जाएगा बुध ग्रह, इसको शुक्र ग्रह कहा जाएगा, इसको तीसरे नंबर पे हमारी जीवनदायिनी पृथ्वी होती है, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है दोस्तों, मंगल हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आपका बृहस्पति है और ये आपका शनि है, ये आपका अरुण है और यहाँ आपका वरुण है। समस्या ये आती है कि सर इनको याद कैसे किया जाए, इनको याद कैसे रखा जाए। तो याद करने की अवस्था की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, बस प्रेम से छू पति शनि अरुणवा, शनि अरुणवा। ये ट्रिक आप याद कर लें। ये मान लो ये क्या है, एक ट्रिक है। ये क्या है? ये भैया एक ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या बताने का काम कर रही है? ये ट्रिक कह रही है कि आपका वैसे तो हो जाता है बुध, सैसे हो जाता है शुक्र, प्र से आपकी पृथ्वी, मैं से आपका मंगल, से जो है ये आपका साइलेंट मोड पे रहेगा, और जो इसके बीच ये जो बिंदु पाए जाते हैं, ये एक बेल्ट पाई जाती है, एक बेल्ट जो आपको यहाँ पर पाई जाएगी उस बेल्ट को क्या कहेंगे, इन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाएगा इनको क्षुद्र ग्रह बोला जाएगा। और बृहस्पति से आ जाएगा पति, बृहस्पति के लिए पति से, शनि से शनि के लिए आ जाएगा अरुण, अरुण दर्शाएगा, और ये जो बाद वाला भाग है वहाँ से वरुण हो जाएगा।
वहां से क्या हो जाएगा भैया, वरुण हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या है, सौर मंडल है जो आपको दिख रहा होगा। सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 1, 2, 3, 4 आपके यहां से लगाए तो उसको 5, 6, 7 और 8 कितने ग्रह भैया, 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले ये ग्रह 9 हुआ करते थे, 2006 से पहले ये ग्रह 9 हुआ करते थे, लेकिन एक प्राग सम्मेलन होता है 2006 में, और उस प्राग सम्मेलन के द्वारा एक जो नौवा ग्रह था इसको यम, एक जो नौवा ग्रह हुआ करता था यम, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। इसको किसके क्या कर दिया गया इसके साथ, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि ग्रह की यह परिभाषा होती है सौर मंडल में पाया जाने वाला कोई भी, सौर मंडल में पाया जाने वाला कोई भी खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश ना होता हो, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता हो, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो और किसी दूसरे के ग्रह की कक्षा में ना घुसता हो। इसने क्या काम करा था यम ने, ये जो यम हुआ करता था प्लूटो यम, इसने इसका खुद का प्रकाश तो है नहीं, बात बिल्कुल सही है, ये बात पूरी होती है, लेकिन यम क्या करता था, ये वरुण की कक्षा में घुस जाया करता था। ये जब वरुण की कक्षा में घुस जाया करता था तो वरुण की कक्षा में घुस जाने के कारण ही इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, और 2006 के बाद जो ग्रह की संख्या है वो 9 से घटकर 8 रह गई। यानी हमारे सौर मंडल में अगर वर्तमान ग्रहों की बात करूं तो वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है भाई, 8 है, और पहले 2006 से पहले कितनी थी, 9 हुआ करती थी। कितनी थी भाई, 9 हुआ करती थी। बहुत बढ़िया, प्रियंका कुमारी जी गुड मॉर्निंग, प्रियांशी प्रियांशी जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र जाट जी, सर मैं आ गया, अरे वाह क्या बात है, स्वागत है आपका, बिल्कुल लो मैं आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोगों का स्वागत है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौर मंडल। अब तक हमने जो बातें की हैं वो मैंने बताया, जो बच्चे ये सोच रहे थे कि सर सौर मंडल क्या है, सौर मंडल वालों के लिए बता दूं कि सौर मंडल, सौर मंडल की परिभाषा यहां मैंने लिखी अब तक जिसको डिस्कस किया है, सौर मंडल, सौर मंडल सूर्य व उसके साथी सभी खगोलीय पिंड हैं, और वो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से बंधे हुए हैं, ये आपका सौर मंडल, ठीक है भाई। दूसरा हमने कहा कि सौर मंडल में ये सब ग्रह हैं, ये कौन से, ये वाले। और एक बात और आपको बताऊं यहीं से, जो ये जो ग्रह हैं ये वाले, यानी ये वाले जो ग्रह हैं, ये वाले ग्रह, ये कौन से हैं, इनको बोला जाता है भैया आंतरिक ग्रह, इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और ये वाले जो ग्रह हैं इनको कहा जाता है वायु ग्रह, ठीक है। अब आपने ट्रिक जान ली, बस प्रेम से छू पति शनि अरुणवा, बस प्रेम से छू पति शनि अरुणवा, ब का मतलब बुध हो जाता है, स का मतलब शुक्र हो जाता है, प्र का मतलब पृथ्वी, मै से मंगल, और छो से क्षुद्र ग्रह हो जाता है, पति से बृहस्पति हो जाएगा, शनि से शनि, और अरुण से अरुण, और वा से वरुण हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछ ले सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवें नंबर का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवें नंबर का ग्रह आता है बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में छठे नंबर का ग्रह कौन सा है, तो बस प्रेम से छू पति शनि, मतलब छठे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, शनि ग्रह आ जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे बाद वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका आ जाता है भैया वरुण ग्रह। यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, तो ग्रह पूछे तो आपका वरुण ग्रह आएगा, खगोलीय पिंड पूछ लिया जाए तो आपका यम आ जाएगा, प्लूटो आ जाएगा, ठीक है। सबसे करीब वाला पूछ ले तो बुध आएगा, ठीक है, और ये पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह शुक्र है, और पृथ्वी किन दो ग्रह के मध्य में आती है, तो पृथ्वी भैया इधर मंगल और इधर शुक्र, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, ये सारी ही बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को इस लाइव सेशन के अंत तक बना रहना पड़ेगा। क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बना रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सुमन दुबे जी ने बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा सुमन दुबे जी आपने। सर सूर्य की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सूर्य की तरह, कह सूर्य की तरह जो जलना जो तपना सीखता है वो सूर्य की तरह चमकता है। मेहनत भी आप लोगों को उसी स्तर की करनी होगी। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं, कहानी बयां करते हैं सौरमंडल की। परिभाषा दो क्या कहती है? परिभाषा दो, अगर सौरमंडल की दूसरी परिभाषा की बात करूं तो सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य क्या है जो कि एक तारा है, उसके उसके चारों ओर अंडाकार मार्ग के सहारे, उसके चारों ओर अंडाकार मार्ग के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले कौन कौन भैया? उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उसकी परिक्रमा करने वाले उपग्रह, उसकी परिक्रमा करने वाले पुच्छल तारे, उसकी परिक्रमा करने वाले उल्काओं तथा उसकी परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी सूर्य जो कि एक तारा है और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारे और आपके क्षुद्र ग्रह, ये सभी उल्कापिंड, इन सभी के सम्मिलित रूप को जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? हमारा सौरमंडल कहा जाता है। बहुत बढ़िया सुमन दुबे जी, करी सबसे छोटा और सबसे करीब ग्रह बुध ग्रह है, पृथ्वी की बहन शुक्र है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आगे की कहानी को बयां करते हैं कि आगे इस कहानी में ट्विस्ट क्या आता है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सौरमंडल में जो जो हमें पढ़ना है वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सौरमंडल में हम लोगों को पढ़नी है। ब्रह्मांड में निम्न, ब्रह्मांड जो है निम्न में से मिलकर या निम्न से मिलकर बना है। अब ब्रह्मांड क्या, इसको सौरमंडल मान लीजिएगा। सौरमंडल में हम लोग तारों का जिक्र करेंगे, हैं? आले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। गाना सुना नहीं, नेहा कक्कड़ का? तो वही गाना। हम लोग आज बात करेंगे तारों के बारे में, हम लोग बात करेंगे ग्रहों के बारे में, हम लोग बात करेंगे उपग्रह के बारे में, बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में यानी एस्ट्रॉयड के बारे में, बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, और आपका उल्कापिंड यानी मेट्रोइड के बारे में, और पुच्छल तारा टेल स्टार के बारे में। इन सभी चीज को जानेंगे क्योंकि इन सभी चीजों से, इन सभी शब्दों से कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे और हम लोग, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ी है और हमने सौरमंडल पढ़ा है, क्योंकि सौरमंडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएसटी जूनियर एडिट टीचर और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में, बेहद ज्यादा पसंदीदा विषय रहा है ये, उप विषय रहा है हमारा। लाल ग्रह कौन सा है? अरे वाह बहुत बढ़िया, बताएंगे लाल ग्रह कौन सा है और वो क्यों है, इस कारण को भी बताएंगे। वाह वाह वाह, चलिए चलिए बहुत खूब। क्लियर, सभी लोग शेयर करिएगा भाई सेशन को, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। अब बारी बारी से देखते हैं कि तारे क्या हैं, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है। ये आपके सामने एक शब्द आता है, सबसे पहले मैंने बात की तारे की, तो क्यों ना हम सबसे पहले तारों के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? तारों के बारे में बात कर लें कि तारे क्या हैं। तारे स्वयं प्रकाशित हैं। तारे क्या हैं? स्वयं प्रकाशित हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों कि यहां इनमें खुद का प्रकाश होता है। जो तारे हैं यानी स्टार्स स्वयं प्रकाशित हैं यानी सेल्फ ल्यूमिनियस हैं। उष्णवाती की द्रव्य मात्रा से, उष्णवात्री की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल एक खगोलीय पिंड है। यानी सौरमंडल या ब्रह्मांड में पाए जाने वाला वह खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश होता है, जिसमें खुद का प्रकाश होता है यानी सेल्फ ल्यूमिनियस होते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? वो हमारे तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। सर एक बार पूरा सिलेबस बता देंगे क्या ज्योग्राफी का? बिल्कुल बता देंगे सुमन दुबे जी, परेशान ना हो आप लोगों को मैं अब तो मैं खैर एंड टू एंड बताऊंगा तो ये लगेगा। देखिए इसमें क्या क्या है सिलेबस में, कल की जो क्लास होगी आपकी उसमें अब मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा। हालांकि मैं सिलेबस को डिस्कशन कर चुका हूं लेकिन आप लोग उसको शायद नहीं देख पाए, वीडियो को दोबारा देख लेना। लो जी स्मिता सिंह जी ने बता दिया इसका आंसर, अर्थात तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। समझ में बात आ गई? भी बात आ गई समय, यानी जिनमें खुद की आग होती है। अब एक कोई नेहा कक्कड़ जी से ये पूछे कि वो बात करती हैं आ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, दुनिया ये दुनिया प्यार ना करने देगी। एक मैं देखिए ये बात कहीं ना कहीं लॉजिकल होती है,
एक मैंने गाना सुना था, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। मतलब इस प्यारी सी पृथ्वी पर, जिस पर एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर पानी पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, उस पृथ्वी को छोड़कर आप दरिया में डूबने की बात करते हो और तारों सितारों की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है नेहा कक्कड़ जी और उन पुराने लेखकों के ऊपर। ठीक है, चलिए भी क्लियर हुआ यहाँ तक। तारे क्या हैं, आप लोगों को क्लियर होगा तारा कितना खूबसूरत चमक रहा है। हैं सर, कौन से एग्जाम में आएंगे? नरेंद्र जाट जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग एसएससी सीजीएल उठा लेना, एसएससी एमटीएस उठा लेना, एसएससी सीएचएसएल उठा लेना, सुपर टेट का एग्ज़ाम उठा लेना, जूनियर एडिट टीचर का एग्ज़ाम जो कि पहली बार हो रहा है, देखना जो एग्ज़ाम आएगा, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सभी से कंपेरिजन करके देखना और ये देखना क्या जो वास्तव में अतुल सर ने पढ़ाया वो एग्ज़ाम में आता भी है नहीं। अगर आप खुद भी ना देख पाओ तो कल की मेरी क्लास से बिल्कुल जुड़ना, कल मैं इन्हीं पर आधारित वो प्रश्न कराऊंगा जो अब तक एग्जामिनर ने पूछे हैं, वो प्रश्न जो अब तक एग्जामिनर ने पूछे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में बात करूंगा। कितना खूबसूरत ये रहा तारा, ये रहा तारा, ये वही तारा है। एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे वो तुमसे, सुन सुन वो वाला नहीं है और ना ही ये वो तारा है जिसने ये कह दिया था कि अगर आप मोहर नहीं लगाओगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। वो तारा नहीं है, ये वो तारा है जो सौर मंडल का एक भाग है, जिसमें खुद का प्रकाश होता है और ये भी गतिमान होता है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को देखते हैं। ये बात आती है तारों का निर्माण कैसे होता है। सर जी ये और बता दो, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारे बनते कैसे हैं, इस बात का पता भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नरेंद्र जाट जी पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। भाई अगर आप मेरे साथ जुड़े रहो तो सारी चीज़ बताऊंगा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्र, कुल तारा मंडल 89 हैं, कुल तारा मंडल 89 हैं, जो कुल तारा मंडल हैं वो 89 हैं, यानी 89 हैं, समझ में बात आई। ठीक है, चले पढ़ें। आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का एक मेघ प्रभावित होता है, इसको पढ़ ले फिर मैं आपको बताऊंगा, एवं परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिक के संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस अवस्था में एक तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक तारा बन जाता है। यानी दोस्तों आकाश गंगा में जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं तो उनका क्या होता है, जो गैसें होती हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में गैसें पाई जाती हैं, उन गैस का जो बादल होता है ना, तो वो बादल प्रभावित हो जाता है हवा के कारण, वो घूमने लग जाता है और जब वो घूमता है ना तो जैसे चक्रवात बनते हैं, सेम वैसे ही ब्रह्मांड में चक्रवात बनता है, बादलों का गोला बन जाता है, सर्किल बन जाता है और लगातार वो गतिमान होने लगता है, और जब वो गतिमान होने लगता है तो वो लगातार प्रक्रिया, उसको बोलते हैं संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लग जाती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की एक साथ क्रिया होती है और होने क्या लग जाता है भैया, हाइड्रोजन किस में बदलने लग जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लग जाता है और अंततः वो क्या बन जाता है भाई, अंततः ये अवस्था में एक तारे का निर्माण हो जाता है, चूँकि वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है, तो सेशन को लाइक भी करें और शेयर भी करें। सर मैं सी टेट पास हूँ, क्या मैं डीट ब्लेसबी में पीआरटी फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखिए जो बच्चे सी टेट पास करके, अभी सी टेट पास किया है, जिन बच्चों ने सी टेट पास किया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में निकलने वाले डीट ब्लेसबी का एग्ज़ाम, जिनमें अभी फॉर्म निकले हैं, ठीक है, केवीएस का एग्ज़ाम, एनवीएस का एग्ज़ाम और आपके एईईएस का एग्ज़ाम और आपका भैया स्टेट लेवल पे जो भी आपका एग्जाम होता है उनको आप फिल कर सकते हो, आप फिल, यू आर एलिजिबल, यस। उसके लिए सीटेट पेपर वन होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं पंकज यादव जी, बिल्कुल सही बात आपने बताई। सर मैं बिहार से हूँ, मैं भी जूनियर टीचर का फॉर्म डाल सकती हूँ,
प्रियंका कुमारी जी, बिल्कुल प्रियंका कुमारी जी, अगर आप बिहार से हैं तो यूपी में जो 1894 वैकेंसी हैं आप उसमें फॉर्म डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आती हैं किसी और में तो फिर भी उसके बावजूद भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। मतलब अगर आप अदर स्टेट में डालते हैं तो आपकी जो योग्यताएं होंगी आपको अपनी योग्यताएं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बतानी होंगी या उसको एलिजिबल करनी होंगी, तभी आप उसमें योग्य हो सकते हैं। सर SST में इकोनॉमी भी है? बिल्कुल है अंजलि मौर्या जी, बिल्कुल है। इकोनॉमी के भी सवाल आएंगे, EVS के भी सवाल आएंगे और आपके ज्योग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सभी चीज़ उसमें शामिल की गई है। ठीक है तो भैया, एवं परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है? आकाश गंगा के घूर्णन से जो ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित हुआ उससे एक सर्किल बना और उसके कारण क्या हुआ? एक गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या हुआ था क्या भैया, बीच में ऐसे बनता चला गया और जब ये ऐसे बनता चला गया तो इसकी कंडीशन क्या बनी, ये क्या बन जाता है भैया, ये तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक तारा बन जाता है। उनके केंद्र में नाभिक के संलयन होने लगता है और हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम। और यही अवस्था हमारी क्या कहलाती है? तारे बनने की अवस्था कहलाती है। बात अगर आप तक पहुँच पाई हो तो शेयर करें। बिल्कुल OBC हूँ। हाँ देखिए, ये कह रही है प्रियंका कुमारी जी, OBC हूँ। अगर आप प्रियंका जी OBC कैटेगरी से आती हैं तो आपको यूपी में डालने के लिए आपको 90 नंबर सीटेट में आने चाहिए। अगर आपने 85 नंबर आप लाई हैं और आपका सीटेट क्वालिफाई है तो 85 नंबर जब आप यूपी में भरोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको जनरल में काउंट होना है तो आपको 90 नंबर से ऊपर होने चाहिए, 50% से ऊपर आपके मार्क होने चाहिए ग्रेजुएशन में। नरेंद्र जाट जी पूछ रहे हैं कि ये तो हमारे स्टूडेंट भी बता सकते हैं, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं वे बताइए। मैंने क्वेश्चन कराया था, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सुपर सीटेट के पेपर से पहले जो मैं करा रहा था, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं, अमेरिका ने किस ग्रह को खोजने के लिए, किस ग्रह का पता लगाने के लिए एक अभी अंतरिक्ष यान भेजा, और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की तरह कलाय करने वाला कौन सा ग्रह है, ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ मैंने कराए थे। सर निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप 3 साल की अवधि का लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 3 साल की अवधि का लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि तारा जैसे ये आपका स्टेलर नेबुला है, मतलब जब ब्रह्मांड में गैसों का मेघ प्रभावित होता है तो गैसों का मेघ प्रभावित होने के कारण यहाँ एक ये स्थिति बनती है, और जब ये पीली स्थिति में आता है तो इसको एवरेज स्टार कहते हैं यानी औसत तारा, और जब ये लाल हो जाता है तो इसको रक्त दानव कहते हैं यानी रेड जेंट इसको कहा जाता है, और उसके बाद ये प्लेटरी नेबुला बन जाता है एंड देन इसको वाइट डर्फ में कन्वर्ट हो जाता है जिसको श्वेत वामन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम श्वेत वामन कहते हैं। सेम ये स्थिति बनती है ये मैसिव स्टार में और आपका रेड सुपर जेंट में, ठीक है। उसके बाद सुपरनोवा अगर इसमें विस्फोट हो जाता है तो ये सुपरनोवा कहलाएगा, विस्फोट ना होकर ये धीरे धीरे ठंडा होकर सफ़ेद पड़ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम? वाइट डर्फ कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर ये न्यूट्रल स्टार और आपका ब्लैक स्टार, ये दोनों ही चीज़ें मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ। अच्छा अच्छा सर, इकोनॉमी की क्लास कब से होगी? अंजलि मौर्या जी वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा समय का इंतजार करें, इकोनॉमी क्लास में मैं ही लूँगा, बिकॉज आई हैव डन द मैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप स्पेशल किस में हैं, आप स्पेशल किस में हैं? देखिए पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, आप दुनिया के किसी बच्चे को समझा सकते हैं। ये बात मैटर नहीं करती आपको आता क्या है, मैटर ये करती है कि आप बताते क्या हैं, आप समझाते कैसे हैं। वी डोंट नो, मैं कभी आपको ये नहीं कहता, मैं अपने आपको ये नहीं कहता मैं टीचर, बट आई नो वेरी वेल दैट हाउ टू एक्सप्लेन माई नॉलेज, कि मैं अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी आधार पर RSSC CGL निकाला है, इसी आधार पर UPPCS 2014 निकाला था, इसी आधार पर अपने जो अब तक के एग्जाम है वो मैंने निकाले हैं। डेट आ गई है, कुछ बताओ
चलिए भाई नरेंद्र जाट जी, थोड़ा सा अभी क्लास के बीच में मैं बताने चालू कर दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सुमन देवे जी ने सही कहा, अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो बिल्कुल यार आप एक दूसरे को बताते चलो, क्योंकि सारी बात मैं बताऊंगा ना क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। मतलब आफ्टर 6 मंथ छमाई में आपका सीटेट होता है, 1 साल में 2 बार सीटेट होता है, और अब सरकार ने जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको उम्र भर के लिए कर दिया है। सरकार ने सीटेट के एग्ज़ाम को कर दिया है उम्र भर के लिए कर दिया है। ये देखेगा, अब हम बात करेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है, बारी बारी से देखेंगे और आप लोग समझेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बुक कोई सी भी उठा लेना, मैंने बहुत सारी मार्केट की बुक से उठाकर बहुत सारी चीज़ तैयार की हैं, ये मान लेना। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, केंद्र का हाइड्रोजन क्या हो जाता है, समाप्त होने के कारण कारण तारे का जो केंद्रीय भाग है, तारे का जो केंद्रीय भाग है वो संकुचित होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लग जाता है, और जब वो सिकुड़ने लग जाता है तो वह गर्म स्थिति में आ जाता है, और जब वो गर्म स्थिति में होगा तो बाह्य परत में क्या स्थिति बनेगी, बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहेगा। मतलब अब अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो गया, बाहर नाभिकीय संलयन की क्रिया जारी है, तो बाहर अंदर की तरफ सिकुड़न होने चालू होगी और धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लग जाता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेड जेंट कहते हैं, जो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। यानी केंद्र का हाइड्रोजन जब समाप्त होगा, बाहर का आपका क्या होगा, नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हो चालू रहेगी, और ये जब नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू रहेगी तो उसी दौरान जब ये लाल रंग का हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा रक्त दानव, यानी रेड जेंट के नाम से इसको पुकारा जाएगा। और यदि अगर मैं आपको बात करूं, अगली स्लाइड पर लेकर चलूं, चलिए रिमोट आज काम नहीं कर रहा है, जिससे कि मैं देखिए अब क्या है आगे, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा चित्र जो आपको दिख रहा होगा बड़ा ही बेकार सा कुछ अलग सा लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा अब केंद्र में हीलियम जो है वो कार्बन में बदलेगी, और कार्बन भारी पदार्थों में बदलेगा और लोहे में परिवर्तित होने लग जाता है। यानी क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने देखा जो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन हीलियम में बदली, हाइड्रोजन हीलियम में बदली, और हीलियम किस में बदली, कार्बन में बदली, और कार्बन भारी पदार्थ में बदला, भारी पदार्थ में बदला, और भारी पदार्थ जैसे जैसे इकट्ठे होते रहे, भारी पदार्थ जैसे जैसे इकट्ठा होते रहे वैसे वैसे तारे का निर्माण होता गया, और इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने मूवी देखते हो, मूवी में जैसे एक हीरो के ऊपर लगातार दबाव पड़ता चला जाता है, बहुत सारे विलन, बहुत सारे जो गुंडे जिनको कहा जाता है, तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और ख़ासतौर पे साउथ की मूवी में ऐसा देखा जाता है, वो अकेला ही व्यक्ति उनको ऐसे फेंक मारता है, ठीक वही स्थिति बनती है इसके ऊपर। यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, हीलियम के बदलने के कारण अंदर की हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है, अंदर की हाइड्रोजन खत्म होने के कारण वो तारा सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने के कारण उस पर ऊपर से दबाव बनता है, क्योंकि बाहर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है, बाहर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, रिजल्ट ये आपके सामने आता है, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है जो सिकुड़न एक समय के बाद अगर दबाव पड़ेगा तो वो प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि जब ज़्यादा दबाव डालोगे तो वो प्रतिक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करके विस्फोट हो जाता है, जिसको कहा जाता है सुपरनोवा। क्या कहा जाता है, सुपरनोवा। नरेंद्र जाट जी कह रहे हैं सर मैं इंडिया जीके के लुसेंट पढ़ रहा हूं, सही है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। लुसेंट की बुक कोई बेकार नहीं है, अच्छी बुक है, लेकिन कहीं कहीं उसमें गलतियां दी हैं और उसको थोड़ा देखकर पढ़ना, थोड़े कहीं एक बार उसमें जो डाटा वगैरह दिए हैं थोड़े से गलत हैं, अपडेटेड बुक पढ़ना पढ़ा करो। लुसेंट भी अपने आप में बढ़िया है, लुसेंट जो थ्योरेटिकल है उसको अलावाद की गीता के नाम से पुकारा जाता है, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, सुपरनोवा। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जब तारा सुकुड़ते अचानक विस्फोट के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, आंसर आना चाहिए सुपरनोवा। क्या आना चाहिए भैया, आंसर सुपरनोवा आना चाहिए, समझ में बात आई। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी, इसमें क्या हमने बनाई आप लोगों के लिए। अभी आता है आपका सफ़ेद, हमने रेड तारे की बात करी,
हमने रेड जेंट की बात करी, हमने सुपरनोवा की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वाइट की। किसकी बात कर रहे हैं, वाइट की। यानी यदि तारे का द्रव्यमान, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms, जहां ms सूर्य का क्या है, सूर्य का द्रव्यमान है, यानी सूर्य का द्रव्यमान 1.4 ms से यदि क्या होता है, कम होता है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। यानी अगर किसी तारे की, अगर किसी तारे की, तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो भैया क्या हो जाएगा, वो आपका श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को, इसको ही जीवाश्म तारा कहेंगे, इसको ही जीवाश्म तारा यानी फोजिल स्टार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हम फोजिल स्टार कहते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़े आगे चलिए। श्वेत वामन, अब आगे प्रक्रिया क्या आती है, श्वेत वामन जब ठंडा होकर काला वामन, श्वेत वामन जब ठंडा हो जाता है तो वो कैसा दिखने लगता है, वो काला दिखने लग जाता है, और इसी काले को हम क्या कहते हैं, काला वामन कहते हैं, यानी ब्लैक ड्वार्फ इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई, हीलियम किसमें, भारी पदार्थों में कन्वर्ट हुई, भारी पदार्थ लोहे में कन्वर्ट हुए, और धीरे धीरे सिकुड़न पैदा हुई, उसके बाद विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो हुआ तो सुपरनोवा बना। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम था तो भैया वो नाभिकीय संलयन की क्रिया के आधार पर उसने अपना नाभिकीय नाभिक थे वो छोड़ दिए, उसके छोड़ने के कारण वो क्या हो गया भैया, वो न्यूट्रॉन तारा कहलाया, और न्यूट्रॉन तारा कहलाने के बाद अगर दोस्तों वो ठंडा होकर काला पड़ता है तो उसको ब्लैक वामन कहते हैं। ये कहानी है तारे के निर्माण की, ये कहानी किसकी है, तारे के निर्माण की, मतलब तारे का जन्म कैसे होता है और तारे की मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी के, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड कहती है, क्या कहती है भाई, अब आगे चित्र आपके सामने ये दिखेगा, चित्र आपके सामने को कैसा दिखेगा दोस्तों, ये वाला दिखेगा। यानी 1.4 ms अधिक द्रव्यमान वाला होने के कारण ये मुक्त घूमते जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर ms कम है तो वो वाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो मुक्त घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक वेग पाकर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाते हैं, मतलब इसकी कक्ष को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर चला जाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए हों तो उसका क्या बचेगा, केवल न्यूट्रॉन बचेंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, न्यूट्रॉन तारा कहा जाएगा, या उसी को क्या कहते हैं, पल्सर तारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, हम पल्सर तारा या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। यानी जब कोई तारा, जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ऊपर होता है और वह अत्यधिक वेग पाकर उसके इलेक्ट्रॉन निकलकर उसकी कक्षा से बाहर चले जाते हैं, जो बाद में बचता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, और उसी को कहा जाता है पल्सर, और पल्सर जो है अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, जो भारत में एक बाइक है। बात समझ में आई, भारत में क्या है, एक बाइक है जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब न्यूट्रॉन तारा, मैंने देखिए न्यूट्रॉन तारा है, ये गलत नहीं, लिखने में गड़बड़ हो गई है, न्यूट्रॉन तारा भी क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है भाई। असीमित समय तक क्या हो जाएगा, वो सिकुड़न पैदा होगी उसमें सिकुड़न पैदा होगी, वो सिकुड़ता चला जाएगा, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर सकेंद्रित हो जाता है, और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, जब बहुत सारी चीज़ों को आप एक दूसरे के पास पास लाओगे तो उसे बोलते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, वो घिनका हो जाता है, और जब कोई चीज़ घिनकी हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, तो वो काला दिखाई पड़ने लग जाता है एक जगह इकट्ठा होकर, और यही कारण है कि इसका जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग है ना इसी को हम कहते हैं भैया ब्लैक होल। क्या कहा जाएगा इसको, हम इसी को हम ब्लैक होल कहेंगे हिंदी में बात करें
तो इसी को हम किरण छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? किरण छिद्र या ब्लैक होल। यानी एक बात हमारे समझ में आई सर जी, अगर आप लोगों ने अच्छे समझा है कि तारे का निर्माण जब होता है, ब्रह्मांड में जो गैसेस होती हैं, जो गैसें होती हैं, वो गैसें हवा के प्रभाव से प्रभावित होती हैं, उनमें गोल गोल स्थिति बन जाती है, जो चक्रवात के आधार बनता है। वो जब गोल गोल बनता है तो वो गैसें आपस में संलयन करने लग जाती हैं, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लग जाता है, हीलियम भारी पदार्थों में बदलता है, भारी पदार्थ लोहे में बदलते हैं, लोहे में बदलने के कारण एक तारे का निर्माण हो जाता है। तारे का द्रव्यमान यदि 1.4 ms से कम होता है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होकर सफ़ेद पड़ जाता है, और अगर और भी वो ठंडा होकर काला पड़े तो ब्लैक बामन कहलाएगा। ठीक है, ठंडा होकर रेड पड़ेगा तो पहले रक्त दानव, और ठंडा होगा सफ़ेद दानव यानी श्वेत वामन, उसके बाद और ठंडा होगा तो ब्लैक वामन कहलाएगा। लेकिन यदि तारा 1.4 ms से ऊपर है तो वो अत्यधिक वेग पाकर बाहर चला जाएगा, यानी उसके अंदर के न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बाकी बचा कुचा तारा जो है वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहलाएगा। पल्सर तारा भी एक समय तक, असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अंततः वो स्थिति बन जाती है जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, और जब वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में होगा तो भैया वो कहलाएगा आपका किरण छिद्र। क्या कहलाएगा? किरण छिद्र कहलाएगा, यानी वो ब्लैक होल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ब्लैक होल उसको कहा जाता है जहाँ तारों का या गैसेस का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण होता है। ठीक भैया, आप लोग अगर मेरी बात को समझ पाए हैं तो थंब इम्प्रेस करें कमेंट बॉक्स में आकर थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा, मुझे लगेगा कि आप लोग समझ में आ गए। बहुत बढ़िया, संजय गुप्ता जी ने अपना फीडबैक दे दिया है, बहुत खूब, इनके 100% समझ में आ गया है। बाकी सभी लोग भी फीडबैक दें और सेशन को शेयर करें, अधिकतम बच्चों तक पहुँचाने का काम करें। पता लगना चाहिए कि नित्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक क्लास चल रही है ज्योग्राफी की फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पर 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आनंद आपको पूरा मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में उस लेवल की मेहनत हो रही है आपके साथ, जिस लेवल के लिए आप परेशान रहते हो, पैसा देकर भी आपको नहीं मिल पाता। लोग दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं, शोरूम कुछ और कहता है और गोदाम कुछ और कहता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत जाहिद अख्तर जी ने कह दिया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। आशु शर्मा जी कह रहे हैं यस सर, सुमन दुबे जी कह रहे हैं सर में समझ में आ गया, सावी वाजपेयी जी यस सर ओके, आशु शर्मा जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखते हैं कि एक नई कहानी हमारे सामने निकल कर आती है, और नई कहानी क्या है, ये वाली नई कहानी क्या है, ये वाली। यानी इस ब्लैक होल से, जो हमने ब्लैक होल की जिसकी बात करी, इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहां तक कि प्रकाश का पलायन नहीं हो सकता। बात समझ में आई? यानी एक बात आप कह सकते हो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मांड में प्रभावित गैसों के मेघ से बना एक ऐसा माहौल, एक ऐसी जगह जिसके अंदर से प्रकाश को भी नहीं गुजारा जा सकता, उसको क्या कहा जाता है, तो उसका नाम दोस्तों क्या आएगा, उसका नाम आएगा आपका किरण छिद्र या ब्लैक होल के नाम से उसको जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा उसको? किरण छिद्र या ब्लैक होल के नाम से उसको जाना जाएगा। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता भाई, जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता उसको हम कैसे देख सकते हैं, जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता मित्रों उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, चलिए, सेशन अगर पसंद आए तो शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, प्रतिक्रिया जरूर देना, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, जॉन व्हीलर को ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। यानी जॉन व्हीलर वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लैक होल की घटना को सबसे पहले देखा और बताने का काम किया, सबसे पहले देखा और बताने का काम किया। कौन थे वो? जॉन व्हीलर। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल की परिघटना किसने दी, परिकल्पना किसने दी, तो जॉन व्हीलर ने दी। ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी, टॉलमी ने दी। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी, कॉपरनिकस ने दी। दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड का व्यास कितना है, ये किसने बताया, डॉक्टर हर्सेल ने बताया।
ठीक है, डॉक्टर पी हबिल ने 1925 में आकर क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जिसे आप ब्रह्मांड मान बैठे हो, ब्रह्मांड नहीं है वो, तो एक सौ ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, आकाश गंगा है। ठीक है, चलिए, सुपर टीचिंग सर जी, थैंक यू सो मच हमें मोटिवेट करने के लिए। चलिए, राग ब्लैक होल, एक शब्द आपके सामने आएगा, एक रॉग ब्लैक होल। रॉग ब्लैक होल क्या है, वो दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ब्लैक होल एक साथ का एक समूह बनता है तो उसको कहा जाता है रॉग ब्लैक होल। क्या कहा जाता है उसको, रॉग ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच आशु शर्मा जी, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लीजिएगा आगे की कहा, आज जो ये डिजिटल बोर्ड है ना थोड़ा सा हैंग चल रहा है तो थोड़ी सी डिले आ रही है। अब बात करते हैं तारामंडल की। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे हमारे मित्र, हमारे भाई नरेंद्र जाट जी, और नरेंद्र जाट जी पूछ रहे थे सर तारामंडल कितने हैं, तो अभी तारामंडल पर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा सब्र अगर आपने किया होता तो अब आपकी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, हालांकि उस टाइम मुझे आंसर देना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, रॉक ब्लैक होल, अरे क्या बात है सुमन दुबे जी, आपने तो एक पिक्चर यानी जो स्टिकर बोलते हैं, स्टिकर इमोजी वगैरह जो भी है उसके माध्यम से दिखा दिया है। चलिए भाई, ये तारों के समूह प्रत्येक तारामंडल का एक विशिष्ट, जो प्रत्येक तारामंडल होता है ना, प्रत्येक तारामंडल का एक विशिष्ट आकृति होती है। जो तारामंडल होते हैं, तारे होते हैं, उनकी एक विशिष्ट आकृति होती है जिसको तारामंडल कहा जाता है, जिसके आधार पर प्राचीन काल में इनका नामकरण किया गया। आधुनिक समय में बात करें तो कितने तारामंडल हैं मित्र मेरे, नरेंद्र जाट जी आपका आंसर ये रहा जो आप ढूंढ रहे थे, हालांकि मैंने बता दिया था कि कुल आधुनिक समय में कुल तारामंडलों की जो संख्या है वो कितनी है, 89 है। कितनी है भैया, कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है, 89 है। यानी सबसे देखिए, सेंटोरस एवं जेमिनी, सेंटोरस और जेमिनी आदि तारामंडल के एक अन्य उदाहरण है, यानी वो ये तारामंडल के नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, सेंटोरस और जेमिनी, ये एक तारामंडल के नाम है। और कुल कितने तारामंडल है भैया, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89 है। काजल देसावर जी कह रहे हैं सर आपसे पढ़कर मैंने सीटेट क्लियर किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पढ़ा हमसे, आपका सीटेट क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अंशु शर्मा जी कह रही है 89 तारामंडल है, हाँ बिल्कुल 89 तारामंडल है। ये अभी पूछा था नरेंद्र जाट जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार पढ़े हैं, प्लीज़ बताएं। अच्छा अच्छा, जाकिर अख्तर जी अगर आप पूछ रहे हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैं मित्र आपको बता दूँ मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। मार्केट में जितनी भी प्रमाणिक बुक्स आती हैं, एक बार फिर बीच में नेट गड़बड़ाया था, प्रमाणिक बुक जैसे आपकी बात करें, मैं बताऊंगा एक दिन आपको कौन कौन सी बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं अगर आप वास्तव में ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ज्योग्राफी के लिए बुक आती है आपकी, अगर मैं बात करूं खुल्लर, एक बुक आती है खुल्लर साहब की बुक, इतनी बढ़िया बुक लगी मुझे, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लोगे ना तो उससे बाहर कुछ नहीं है। IAS के मेंस एग्जाम तक उससे लिखे जाते हैं, बहुत अच्छी बुक है। बफरिंग हो रहा है, अब नहीं हो रहा होगा सुमन दुबे जी, हाँ बीच में बफरिंग हो रहा था, अब नहीं हो रहा होगा। चलिए ठीक है, इनकी खोज किसने की भाई, क्वेसर तारा की खोज किसने की 1992 में। अब 92 से आपको एक चीज याद आ रही होगी, जब कभी भी एक ऐसी संख्या, एक ऐसा सन, एक ऐसी तिथि आपको दिखने लग जाए जिसका संबंध किसी दूसरी तिथि से भी हो सकता है, ठीक है, ये बात है भैया किसकी, 1992 की। लेकिन जब बात करते हैं 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। हालांकि ये कभी कभी मूर्खतापूर्ण सवाल लगता है, क्यों लगता है मूर्खतापूर्ण सवाल, इसका मतलब कि उससे पहले भारत था ही नहीं है, 1498 से पहले क्या भारत नहीं था। बहुत से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा भी और गवर्नमेंट जॉब में बहुत बार पूछा गया है कि भारत की खोज किसने की,
तो आंसर आता है भारत की खोज की है वास्को डी गामा ने। अरे भाई, भारत की खोज अगर वास्को डी गामा ने 1498 में की, तो फिर 712 ईस्वी में मीर कासिम ने आक्रमण भारत पे कैसे कर डाला? कैसे 1091 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया, सॉरी 1001 ईस्वी में, ठीक है, कैसे 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा जाता है, 1024 ईस्वी में कैसे शिव के मंदिर को लूटा जाता है जब भारत था ही नहीं? इसका मतलब ये क्वेश्चन मुझे तो बड़ा बेकार सा लगता है। मैं चाहता हूं आयोग से इस क्वेश्चन में बदली की जाए। खुशबू मौर्या जी, गुड मॉर्निंग। अंशुर शर्मा जी, मजा आ रहा है सर, गजब की टीचिंग है, थैंक यू सो मच सर। केसर तारे की खोज 1992 में की गई थी, बिल्कुल मैंने बताया, केसर केसर तारामंडल की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, 1992 में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तारामंडल से और जुटी जानकारियां। आज थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो ये तो थे तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, 89 है। क्वेश्चर तारा सबसे अधिक चमकीले तारामंडल में से एक है, यानी ये इतना चमकीला है हमारी आकाशगंगा से छोटा होने के बावजूद भी, यह बहुत ज़्यादा चमकीला दिखता है। इसकी खोज 1992 में की गई थी, यानी आप कह सकते हैं 1492 में खोज होती है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की, और 1498 में खोज होती है वास्को डी गामा द्वारा भारत की, जो दोनों देश कहीं खोए हुए थे, ठीक है, और 1992 में भैया खोज हो जाती है हमारी क्वेश्चर तारा मंडल की, ठीक है भाई, क्लियर है सभी का? चले भाई, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं ग्रहों की। सर जी, ग्रह क्या है, तो ग्रह को समझ लीजिएगा, ग्रह क्या है भाई, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, देखिए रंगीन और रंगहीन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। प्रकाश रहित और प्रकाश सहित, प्रकाश सहित वो होते हैं जिनमें प्रकाश होता है, प्रकाश रहित वो होते हैं जिनमें प्रकाश नहीं होता। यानी तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड, अर्थात वह आकाशीय पिंड जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। दूसरी शर्त क्या है, वो तारों की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, तारों की परिक्रमा करते हैं। अच्छा, फिर से बताएं अमरजीत कुमार जी, फिर से बताएं, एक बार मुझे बता दो फिर से क्या पूछना चाहते हो। मैंने 3-4 बातें बताई हैं, पता नहीं कौन सी बात आप फिर से पूछना चाहते हो, तो मुझे उस फिर से का जवाब मैं तब दूंगा जब एक बार आप बता दोगे फिर से का क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, और जैसे आपका क्या है, पृथ्वी है, जैसे क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता भाई, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमका ये प्रकाशित होता है। अच्छा, कोलंबस ने, भारत की खोज नहीं, भारत से व्यापार करने का रास्ता खोजा था, बिल्कुल धर्मेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कोलंबस ने, बिल्कुल। लेकिन मित्र मेरे, कोलंबस जो था ये भी एक समुद्री यात्री था, यूरोपियन यात्री था। यह 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन यह रास्ता भटक गया, और यह रास्ता भटकने के कारण यह कहाँ पहुँच जाता है, यह एक नई दुनिया अमेरिका पहुँच जाता है। भारत की खोज करने पुनः एक व्यक्ति भेजा जाता है 1498 में, तो 1498 में खोज होती है भारत के समुद्री रास्ते की खोज होती है, भारत तो पहले से ही था। भारत की, क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला व्यक्ति, तो आंसर आना चाहिए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत में आया था, तो कालीकट तट पे आया था, और उस समय कालीकट के राजा जिमोरी ने उनका स्वागत किया था। और जब यहाँ पर आया था, तो यहाँ से काली मिर्च, इंडोनेशिया से और भारत से काले मिर्च लेकर गया था, और इंडोनेशिया से काले मिर्च को लेकर जाकर अपने क्षेत्र में जब उसने जाकर बेचा, तो जितना खर्चा करके वो आया था, उससे 60 गुना लाभ उसको प्राप्त हुआ।
यानी हमारे भारत को अगर सोने की चिड़िया कहा जाता था तो वो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि उसमें सोना था, बल्कि इसलिए कहा जाता था कि हमारे भारत का जो जो प्राकृतिक संसाधन थे वो इतनी प्रचुर मात्रा में थे, वो इतने उच्च क्वालिटी के मसाले थे, पूरे विश्व में उनका नाम हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, वास्को डिगामा ने की थी, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझे, बड़े आगे। ये तो बात होगी ग्रहों को लेकर, किसको बात होगी भाई, इसको ग्रह को लेकर ये बात चल रही है। अब बात करते हैं उपग्रह क्या होते हैं। सर जी, उपग्रह के बारे में बता दीजिएगा, उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह देखिए, जिस प्रकार ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं और उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं और उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा भी एक उपग्रह है, चंद्रमा भी एक उपग्रह है, गैनीमीड भी एक उपग्रह है, डिमोस एक उपग्रह है, फोबोस एक उपग्रह है, कैलेस्ट्रो एक उपग्रह है। ये सभी क्या हैं, एक उपग्रह हैं। मतलब ग्रह जो सूर्य यानी तारों की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, इनमें भी खुद का प्रकाश नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर बात आपको समझ में आई है तो हमारे इस सेशन को शेयर भी करें, लाइक भी करें, आप लोगों को अगर अच्छा लगे। प्रिंस भागीरथ जी, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। अच्छा, आपने पीछे, ठीक है ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है, ये बात मैंने मान लिया। चंद्रमा जो है वो उपग्रह है और उसी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलें आगे। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और उपग्रह की परिभाषा में तो मैंने रखा उसको। बड़े आगे, उपग्रह से अलग और कौन कौन से हैं जिनको हमें जानना बेहद जरूरी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए, अब बात आती है क्षुद्र ग्रह की। वह क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, मतलब ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। ये घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले हैं। कैसे हैं, ये घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले हैं मित्रों। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे, ये अपने आकार में कैसे होते हैं, ग्रह से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये आकार में ग्रह से तो छोटे होंगे और उल्का पिंडों से बड़े होंगे, और ये लगातार ब्रह्मांड में विचरण करते रहेंगे, लगातार ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, जिनको क्या कहा जाता है भैया, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। समझ में बात आई। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था, अभी एक चित्र भी दिखाया था, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंने आपको दिखाया था, पूरा सौर मंडल का चित्र मैंने आपको दिखाया था। चलिए, एस के मिश्रा जी, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। खगोल विज्ञानी कौन थे जिन्होंने की खोज की, सर विलियम हर्सल। सर विलियम हर्सल को ग्रह शब्द को प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया गया। क्या गया, प्रेरित किया गया, जिसे ग्रीस में एस्टरॉइड्स, क्या, जिसे ग्रीस में एस्टरॉइड के रूप में तब्दील किया गया। मतलब समझ रहे हो मेरी बात का, जिसका अर्थ है तारा जैसा, यानी तारा के आकार का। और प्राचीन ग्रीक आर्टनिप एस्टर तारा ग्रह से इसका व्युत्पत्ति होती है। यानी एक बात यहाँ समझ में, ये तो बात पढ़ने लिखने की है, ये बातें मैंने इसलिए लिखी जिससे कि आप नोट्स बना सको। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कहता है, कमाल की बात क्या है, कमाल की बात ये है कि सर विलियम हर्सेल को प्रेरित किया गया कि एक शब्द का निर्माण करो, और शब्द आया ग्रह। ग्रह, और ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है भैया, क्या, ग्रह को ग्रह को ग्रीस लैंग्वेज में, यानी ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, एस्ट्रोराइड। और एस्ट्रोराइड का मतलब होता है कि जो कैसा हो, जो तारे के जैसा हो। कैसा हो, तारे के जैसा हो, तारा नहीं, तारे के जैसा।
तारे के जैसा, मतलब सिमली, ठीक है, तारे के जैसा, तारों से चमकता गहना हो, वो वाला तारों से चमकता, मतलब तारों के जैसा, ऐसे ही तारों के जैसा या तारों के आकार में जो था उसको हम क्या कहने लगे भैया, एस्ट्रोराइड कहने लगे। समझ में बात आई आपके, क्लियर है? अच्छा, नरेंद्र जाट जी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है हमारे लिए और एक बार फिर सवाल पूछ रहे हैं कि सूर्य पूरब में चमकता है क्यों, सूर्य पूरब से निकलता है क्यों, यही सवाल है आपका, सूर्य पूरब से क्यों निकलता है, यह हमें इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हम पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे हैं, क्योंकि हम पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं और हमें वो चीज़ दिखाई देगी जो हमारे विपरीत दिशा से आ रही होगी, हमें वो चीज़ दिखाई देगी जो हमारे विपरीत दिशा से आ रही होगी। अगर हम पूरब दिशा की ओर मुंह करके बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी जो हमारे सामने से आ रही है, तो सूर्य हमें पूर्व से दिखाई पड़ता है, तो हम उस तरीके से गति कर रहे हैं, इस कारण हमें सूर्य पूर्व से दिखाई पड़ता है, ये कारण है। नाइस होंग, चलिए थैंक यू सो मच, बड़े आगे। तो ये आपको मैंने बताया कि इसकी खोज कई विलियम हर्सल ने करी, ठीक है, इसको एस्ट्रोइड कहा जाता है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा था भाई? ओहो क्या दिक्कत आई, एक मिनट, हाँ देखिए पहले तो इसको देख लीजिएगा, जो लोग बच्चे जानना चाह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह कौन से हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में सुन लीजिएगा भाई। क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, सॉरी सौरमंडल, ये हमारा सौरमंडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सौरमंडल है, ठीक भैया, सौरमंडल में, और सौरमंडल में ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्लाइड को शो करा जाए, चलो वहीं पहुँचते हैं भाई, ये अब तक मैंने इतना पढ़ा दिया है आपको, कहाँ गया क्वेश्चन तारा, तो ये रहा क्षुद्र ग्रह खगोल विज्ञानी विलियम हर्सल, हाँ यहाँ हम चल रहे थे, यहाँ हम लोग चल रहे थे, तो करंट स्लाइड को हमें शो करना था, ठीक है भाई। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह की बात करें तो कौन सा है, 1819 में खोजा गया, 1819 में खोजा गया, जिसे एक नाम दिया गया सेरस, ठीक हो, इसे ग्यूसेप प्याजे द्वारा खोजा गया, किसने किसके द्वारा इसको खोजा गया, ग्यूसेप प्याजे द्वारा खोजा गया, 1819 में इसको खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसे मूल रूप से एक नया ग्रह माना जाता है, यानी जो क्षुद्र ग्रह है ना, इसको एक नए ग्रह के रूप में हम लोग देखते हैं, एक नए ग्रह के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अंशु शर्मा, सेरेस था, बिल्कुल सही आंसर आपने करा, आप लोगों को याद है शायद, आप मेरे से पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की घोषणा की, 30 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की घोषणा की, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट क्यों किया, इस वजह से किया जिससे कि लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में भी जान सके, पहचान सके, इनके बारे में परिचय ले सके, ठीक है, घोषणा की ताकि क्षुद्र ग्रह के बारे में जनता को शिक्षित किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस की तारीख 30 जून 1908 को साइबेरिय रूसी संघ पर टंगुस्का क्षुद्र ग्रह की सालगिरह की स्मृति में मनाई जाती है। बात समझवाई भैया, ये यानी 30 जून ही क्यों रखा गया, 30 जून को जो रूसी संघ पर टंगुस्का क्षुद्र ग्रह था उसकी सालगिरह मनाई जाती है, इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 जून को हमारा क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर डाली, ठीक है। मेरे भाई नरेंद्र जाट जी, अगर आप इसी तरीके से प्रश्नों का झड़झड़ी लगाते रहेंगे, ये क्वेश्चन आप चाहें तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, अभी तक मैं सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दे चुका हूं, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछने से कोई भला नहीं होने वाला, मजा जब आएगा जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझें, तथ्यात्मक प्रश्न के आंसर आप कहीं से भी ले सकते हो, जो स्टैटिकल क्वेश्चन के आंसर है उन आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल आंसर होते हैं वो आप टीचर के पढ़ाने से या आपके खुद के मन से पढ़ने से निकल कर आते हैं, मेरे आपको सलाह है। सुमन दवे जी कह रहे इतने सारे दिवस बना दे याद हमें करने पड़ते हैं,
बिल्कुल, हर दिन एक जो नई घटना पड़ती है, नई घटना घटती है वो हमारे लिए एक इतिहास बन जाती है। ठीक है भाई, बढ़े आगे चल, भी आगे चल कहाँ, ये रहा कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है जल्दी बताएं। नरेंद्र जाट जी, आपने नाम सुना होगा सर मार्टिन बेनम का, सर मार्टिन बेनम का नाम सुना है आपने। दुनिया का सबसे पहला ग्लोब अगर किसी ने बनाया था तो वो सर मार्टिन बेनम ने बनाया था, जर्मनी के रहने वाले थे मार्टिन बेनम, जिन्होंने पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप तैयार करा, जिन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास करा। बात समझ में आई? चलिए, कृत्रिम उपग्रह जैसे सैटेलाइट आप देखते हैं, ये हैं कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, कृत्रिम उपग्रह, और ये पता लगाते हैं पृथ्वी पर क्या क्या गतिविधि हो रही है, किस आधार पर हो रही है, सारी बातों का पता लगा जाता है। ये मानव निर्मित होते हैं, बहुत बढ़िया बात है आपने कही अंजलि वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, काफ़ी लेट आप उपस्थित हुई हैं। चलिए, मानव निर्मित है, आदमी के द्वारा बनाया हुआ सैटेलाइट, बिल्कुल चंद्रकांत कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसका निर्माण जी होता है वो मनुष्य के द्वारा होता है, यानी भारत के जो तीव्र दिमाग वाले व्यक्ति हैं, जो भारत के नहीं बल्कि दुनिया के जो सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति माने जाते हैं, जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, वो इनका निर्माण करते हैं। ठीक, कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित एक उपग्रह है जिसको पृथ्वी से बाहर को, पृथ्वी से बाहर की दुनिया, पृथ्वी से बाहर की दुनिया की घटनाओं का पता लगाने के लिए छोड़ा जाता है। पृथ्वी से बाहर क्या घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी के बाहर कौन सा उल्कापिंड कहां को उड़ता जा रहा है, कौन सा पुच्छल तारा किधर दिशा में जा रहा है, कौन सा एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह क्या कर रहा है, पृथ्वी से बाहर की गतिविधि का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है मित्रों, पृथ्वी से बाहर की गतिविधि का पता लगाने के लिए इन कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। अंजलि, अच्छा अच्छा अंजलि वर्मा जी कह रही है सर आलू के पराठे बनाने और खाने में लगे हुए थे, बहुत बढ़िया जी, संडे का दिन है, संडे के दिन को बिल्कुल बेहतर तरीके से एंजॉय करिएगा, लेकिन स्टडी भी जारी है, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, ये बात कह रही हैं, ये बात कह रहे हैं प्रिंस भागीरथ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात आपने की, और सोला ने सच्ची और सत्य बात आपने की, बिल्कुल बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कहानी पूरी। और बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे की कहानी को बयां करते हैं। आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अगर रंग ला रही हो, आज मेरा गला ख़राब था उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों को क्लास लेने का डिसीजन लिया, जिससे कि आप लोगों की एक दिन भी वेस्ट ना जाए, आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, तो यही कारण था कि मैं आपको संडे में भी उपस्थित रहा। ठीक, चलिए यहाँ देख लीजिएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक वन, यानी इसको सोवियत संघ द्वारा, कब भैया, सोवियत संघ द्वारा इसको 4 अक्टूबर 1957, शायद अगर आपको ना लिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ 4 अक्टूबर 1957, यानी भारत में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उससे पूरा 100 साल बाद 1857 और 1957 में 100 वर्ष का अंतर आ जाता है, इन एक शताब्दी के बाद इसकी खोज हुई, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक वन यानी सोवियत संघ द्वारा अक्टूबर 1957 में शुरू किया गया था। ठीक है, उसने सर्गेई कोरोलेव के साथ मुख्य डिजाइनर के रूप में क्या किया, सोवियत संघ स्पुतनिक कार्यक्रम यानी स्पुतनिक शुरू किया। आप लोगों को शायद थोड़ा सा यहाँ कम दिख रहा हो, मैं इसको कलर चेंज करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बढ़े आगे, मुझे याद नहीं रहा कि इसका कलर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है अंजलि वर्मा जी, ओ सर थैंक यू सो मच, चलिए हाँ बिल्कुल केयर करनी पड़ती है, रात भर से पानी पी रहे हैं, रात भर से गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं, जिस कारण गला ठीक ठाक रहे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिसॉल्व अराउंड द अर्थ, बहुत बढ़िया दिव्यांशी एंड योगेंद्र ये बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया दोनों लोग मिलकर। चलिए, उल्का पिंड क्या होते हैं भाई, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सौर मंडल में या ब्रह्मांड में पाई जाती हैं,
कल सौर मंडल का पार्ट नंबर 2 रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी क्लास में आप रहेंगे, आप लोगों को मजा आएगा। सर सौर अच्छा, देखिए नरेंद्र जाट जी कह रहे हैं सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कॉपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की नहीं, उन्होंने क्या करा था, सूर्य से जुड़े हुए तथ्य बताए। उन्होंने 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में एक अवधारणा दी थी जिसको कहा गया था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में सर कॉपरनिकस ने यह बताया था कि पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच पृथ्वी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच सूर्य है और पृथ्वी अन्य ग्रह उपग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, इसी कारण उसको सोलर पैनल का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक भैया, बात समझ भाई हमारी। चलिए, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लुका कहते हैं। यानी कभी कभी आपने देखा, कहते ना टूटते हुए तारे से अगर मन की बात कही जाए तो आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो टूटता हुआ तारा वास्तव में है क्या? वो टूटता हुआ तारा लुका कहलाता है, वो टूटता हुआ तारा कहलाता है और उसी को ही भैया क्या कहते हैं, भैया उसी को ही उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। जैसे ये रही हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की ओर ये टूट टूट कर ये आ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, ये बड़ी तेजी के साथ गतिमान होते हुए किसकी तरफ आ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं आगे की ओर, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, ये पृथ्वी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उल्का पिंड के कारण जब कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरता है तो पृथ्वी पर आकर गड्ढा कर देता है और उस गड्ढे में जो पानी बन जाता है उसको कहते हैं झील और उस झील को कहते हैं उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील। क्या कहा जाता है उसको? उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील उसको कहा जाता है। कुछ नदी द्वारा निर्मित झील होती हैं, कुछ मानव निर्मित झील होती हैं, कुछ आपका उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील होती है, कुछ ज्वालामुखी निर्माण द्वारा निर्मित झील होती है, बहुत सारे प्रकार की झील आपको बताऊंगा। अजले उल्का पिंड करटार का निर्माण करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल लुनार झील, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रेटर झील का, सॉरी क्रेटर झील का निर्माण करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ इसके कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं भैया? उल्का पिंड कह लेते हैं। बात समझ में आई आपकी बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे, आप लोगों तक मेरी बात अच्छे से पहुँच पाई होगी। ठीक, क्लियर सभी का? बहुत बढ़िया, आगे बात करें। चलिए, पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारे के बारे में जान लीजिएगा। ये आपको दिख रहा है पुच्छल तारा, ये चल रहा है, बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छा दृश्य जो आपको दिखा रहा हूँ। ये मतलब एक तेजी से बढ़ता हुआ एक सफ़ेद आकार की एक पूंछ नुमा आपको दिखता है धूमकेतु या पुच्छल तारा, जिसको कॉमेट्स भी कहते हैं। चट्टान रॉक या धूल डस्ट या जमी हुई गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक तो धूल के कण और चट्टान और पुच्छल तारे किसके बने होते हैं भैया? गैसों के बने होते हैं। इन तीनों चीज़ों का क्या हो सकता है? मिश्रण हो सकता है। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें, धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं। लॉजिक समझे? सूर्य के समीप आने पर सूर्य, चूंकि सूर्य का बाह्य तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगती है, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? हम पुच्छल तारा कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं इसको? सर देखो, एक क्वेश्चन एक बार नरेंद्र जाट जी ने पूछ लिया है, सर पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? सर पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो मेरे मित्र, मेरे भाई, पार्थिव ग्रह की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन सी हैं?
आपका बुध आता है, आपका शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ये चार ग्रह आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये चार ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक वाले ग्रह हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बात समझ भाई? क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के करीब होने के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित होते हैं, जिस कारण इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इससे कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बाकी बाद वाले ग्रह वो द्रव्य ग्रह कहलाते हैं, और पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह और द्रव्य ग्रह को हम बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आपको बात समझ में आई होगी। बिल्कुल धर्मेंद्र वर्मा जी, मैंने बता दिया है, इनका आंसर दे दिया है। पार्थिव ग्रहों की संख्या चार होती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको पार्थिव ग्रह के साथ साथ इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के अत्यंत करीब होने के कारण ये भारी पदार्थों से निर्माण होता है इनका। देखिए, जब आपने लाकांडी मशीन देखी होगी, जब किसी भी चीज़ को बरसाया जाता है तो जो हल्के हल्के कण होते हैं वो दूर जाकर पड़ते हैं, जो भारी कण होते हैं वो पास में होते हैं। जो भारी होते हैं वो मजबूत होते हैं, पत्थर के माफिक होते हैं, तो उनको पार्थिव कहा जाएगा। जो दूर होते हैं उनको द्रव्य कहा जाता है, हल्का कहा जाता है। ठीक है भाई, अंशु शर्मा जी ने भी आंसर दे दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो पुच्छल तारा आप लोगों को पता चल गया, पुच्छल तारा क्या है। समझ में आई बात भी, मैं क्या समझा रहा हूँ? आप लोगों को मेरी बात मिल पा रही है? आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो सेशन को एक बार शेयर करके आ जाइएगा। जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सोशल साइट यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, तो एक बार सेशन को शेयर करिएगा जिससे कि और बच्चे जुड़ सके। यह इसका नाभिक न्यूक्लियस कहलाता है और सूर्य की विपरीत दिशा में बर्फ और धूल का चमकीला हिस्सा पूंछ की तरह लगता है। इस कोमा, इसको क्या कहते हैं? इसे कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। और यह हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में चमकता है भाई। यानी एक ही स्थिति बनेगी, ये वाली तो ये ना पीछे वाली जो स्थिति बन चली जाएगी, ये आपकी टैल कहलाएगी, यानी पूंछ कहलाएगी। इसको हम कोमा भी कहते हैं। ठीक है, धूमकेतु की इस पूंछ के कारण इसे पुच्छल तारा कहते हैं, क्योंकि पूंछ सी बन जाती है, और पूंछ सी बनने के कारण इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों इसको? इसको पुच्छल तारा कहा जाता है। मैं कमिंग सर, लालू त्रू जी बिल्कुल स्वागत है, यू मे कम इन माय क्लासरूम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सारी बात आपको पता चल रही होंगी और अच्छे से बातें अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी। सर जी लाइक भी कर दिया है और शेयर भी, थैंक यू सो मच। जितने भी, देखिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं कोई गुरु द्रोणाचार्य नहीं हूँ, और ना ही आप एकलव्य हैं कि आपसे मैं अपना आपका अंगूठा मांग रहा हूँ। मेरी केवल एक ही नम्र गुजारिश होती है, एक नम्र निवेदन होता है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करें और शेयर भी ना करें, आपकी अपनी इच्छा है। बिकॉज यू आर लिविंग इन अ फ्रीडम कंट्री, आप एक स्वतंत्र मुल्क में जी रहे हैं, तो आपको पूर्णतः अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी जी सकते हैं। आप अपना स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आप पर कोई जोर दबाव नहीं है, आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जोर दबाव नहीं है। ठीक है, चलिए भाई चलिए, अब बात आती है आगे। अब हम बात करते हैं हमारा सौर मंडल की। सौर मंडल में और बहुत सारी चीज देखते हैं, क्योंकि आज संडे है, तो हमारी क्लास अगली देखते जो भी होगी। मैं चाहता हूं इस क्लास को आपकी लंबी क्लास की जाए, पार्ट नंबर 2 को भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। लेकिन मेरी एक आपसे नम्र गुजारिश है कि कम से कम 50 तो होने चाहिए, जितनी मेहनत मैं करता हूँ कम से कम 50 बच्चे भी ना जुड़ पाए तो फिर बेकार है। ठीक है, हमारा सौर मंडल अगर बात करें तो हमारा सौर मंडल क्या है? हमारा सौर मंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से बना है, और इसके केंद्र में सूर्य है, और सबसे भारी सीमा पर वरुण ग्रह आता है। सबसे भारी सीमा पर क्या आता है दोस्तों? वरुण ग्रह आता है सबसे भारी सीमा पर, और वरुण के परे यम यानी प्लूटो जैसे बौने ग्रह के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं, जिनकी मैंने अभी बात आपके साथ की है, जिनकी बात मैंने अभी आपके सामने की है। और जितने भी मित्र मेरे साथ जुड़े हुए थे वो अभी मेरे साथ जुड़े रहे, अभी मैं बताऊंगा ये आपको कंप्लीट देखें।
यहां पहुंचते हम, यहां देखिए इसको खोलें, खुल जाओ भाई, ठीक है हमारा सौर मंडल, ठीक है सही चल रहा है, मुझे लगा शायद कभी ये क्लियर हुआ तुम्हारा भी। यानी वरुण के परे यम, प्लूटो और बोने ग्रह भी देखे जाते हैं, कहां कहां देखे जाते हैं इस बात को समझे, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बढ़िया, इस बार आप लोगों ने थोड़ा सा हेल्प की है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सौर मंडल में, हम कौन कौन से ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे सौर मंडल में, हम लोग जिन जिन भी ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, हम बारी बारी से देखेंगे और बारी बारी से उनके बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत खूब। तो भैया सूर्य, सो हमारे सौर मंडल में किसका जिक्र करेंगे हम, सूर्य का जिक्र करेंगे हम, ग्रहों का जिक्र करेंगे, ग्रह में कौन से ग्रह का जिक्र करेंगे, बुध का जिक्र करेंगे, शुक्र का जिक्र करेंगे, पृथ्वी की बातें होंगी, मंगल की बातें होंगी, बृहस्पति की बातें होंगी, शनि, अरुण और वरुण, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, इन सभी की बातें होंगी। बात समझ भाई, फिर से एक बार वही गाना, हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। पता नहीं क्यों धरती वालों से इतनी नफरत है। चलिए तो समझ में आता है भी, बारी बारी से चले आगे बढ़े। देखिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, ये रहा हमारा सौर मंडल, ये रहा हमारा सौर मंडल। और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए पुराने सभी बच्चे, अगर आपको मैं बहुत सारी बात ऐसी बताऊंगा जो अभी नरेंद्र जाट जी पूछ रहे थे, जो नरेंद्र जाट जी पूछ रहे थे और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, वो आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, पार्थिव ग्रह, ये सभी बातें बताऊंगा। आप जुड़े रहो भी मेरे साथ, कम से कम 50 के पार पहुंचाओ, 50 के पार पहुंचने चाहिए बच्चे। अब देखो मेरी बात को समझे, हमने कहा ये ग्रह है, ये भी एक ग्रह है, ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह, ठीक है, और ये भी एक ग्रह है, ये कुल कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 2006 प्राग सम्मेलन से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन जो एक और ग्रह हुआ करता था, ये वाला, यहाँ एक और ग्रह यहाँ पर हुआ करता था, इस ग्रह को क्या नाम दिया था भाई, ये था प्लूटो, जिसको हम यम भी कहते थे, अरुण वरुण यम करके हम खत्म कर देते थे। लेकिन 2006 एक प्राग सम्मेलन होता है और उसमें एक परिभाषा थी कि ग्रह वह उल्का पिंड होते, वह खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं और वो एक दूसरे की कक्षा में एंट्री नहीं करते। लेकिन जो प्लूटो था वो वरुण की कक्षा में घुस जाया करता था, तो बड़ा बदतमीज किस्म का ये था, इसकी बदतमीजी को देखते हुए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। और वर्तमान में कुल ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है भैया, 8 है। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि महाराज, अरुण महाराज और वरुण महाराज। बहुत बढ़िया, राजकुमार राज जी ने बिल्कुल महाराज जी की भाषा में बोले हैं, मुझे लगा गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है, सॉरी गुड मॉर्निंग। चले कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी जब क्लासेस अलग होती हैं। हमने इसके लिए ट्रिक कराई थी, ट्रिक बता दूं भाई, हाँ जी ट्रिक बता दी जाए, बहुत बढ़िया। चलिए ट्रिक कहती है, अभी मैंने आपको बताई थी, बस प्रेम से छू पति शनि अरुणवा, ये कहीं दूर किसी और की ट्रिक नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स हैं जो आपकी ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगी, आपकी ज्योग्राफी को क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगी भैया आपकी ज्योग्राफी को, ये वो ट्रिक्स हैं। ये आपकी क्या है,
ये ट्रिक है भैया। अब ट्रिक में काम कैसे करती है ट्रिक? ट्रिक ये कहती है, बस प्रेम से छू पति सनी अरुणवा, बस प्रेम से छू पति सनी अरुणवा। बै का मतलब क्या हो जाएगा? बुध ग्रह से। स का मतलब शुक्र ग्रह से। प्र से मतलब पृथ्वी। मै से मतलब मंगल। ये जो बीच में यहां ये क्या है? ये भैया ये है क्षुद्र ग्रह। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। यानी छह से क्या हो जाएगा आपका? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। पति से आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। शनि से आपका शनि हो जाएगा और अरुण से अरुण हो जाएगा और वा से वरुण हो जाएगा। भाई बात समझ में आई आपके? मजा आया नहीं आया? चले कोई नहीं, ठीक है। ये ट्रिक है, बस प्रेम से छू पति शनि अरुणवा। अब इस ट्रिक से फायदे क्या क्या होने वाले हैं? इस ट्रिक से फायदे क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या लाभ इनसे होने वाले हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे तरीके से। कौन कौन से लाभ होंगे? लाभ कहता है कि ये पूछ ले सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, तो बस प्र मतलब पृथ्वी, ठीक है, तो यहां से याद हो जाएंगे। और जो ये पूछ रहे थे, ये जो ग्रह हैं, ये वाले ग्रह हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। उनसे ये आपके आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं और ये ही आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह और ये आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक और पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये ग्रह हैं, ये वाले, ये आपके बाह्य ग्रह और इन्हीं को ही द्रव्य ग्रह कहते हैं। द्रव्य ग्रह इनको कहा जाता है। बात समझ में आ रही है भाई? इन्हीं को ही आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, इनको हम क्या का नाम देते हैं? इन्हीं को आंतरिक ग्रह और इन्हें को पार्थिव ग्रह हम लोग कहते हैं। पार्थिव, इनकी संख्या कितनी है? चार है। इनकी भी संख्या कितनी है? चार है। भैया इनकी संख्या कितनी है? चार है। इनकी भी संख्या कितनी है? चार है, ठीक है। अब तो नहीं बोलोगे भाई? अब तो नहीं बोलोगे बिल्कुल भी? बात समझ में आई? शुक्रिय प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन करता है जिसके कारण अत्यधिक गर्म है और सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो हमने देखा ये ग्रह हो गए, ये सभी ये आपके हो गए, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, ये वाले ग्रह, ये जो आंतरिक ग्रह, ये सबसे भारी ग्रह होते हैं, भारी ग्रह हैं ये। और ये वाले जो ग्रह हैं, ये भैया ये हल्के ग्रह हैं, हुई हुई भूल गया सब कुछ, लिखना भी नहीं आता भाई। चलिए, ये आपके क्या हैं? हल्के ग्रह, ठीक है। यानी जो बाद वाले ग्रह हैं ये हल्के ग्रह हैं, जिससे पहले वाले ग्रह हैं वो भारी ग्रह हैं। जो भारी ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जो हल्के ग्रह हैं उनको द्रव्य ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों, जो हमारे ये आंतरिक और पार्थिव दोनों में, दोनों चीज आप देखते चलेंगे, सामान्य ताप, जल और जीवन के लक्षण, इसी कारण से जीवन संभव हो पाया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात आपने कही। बात समझ में आई अब सबके? ठीक है भाई, सभी का समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी है और मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है, तो कृपया करके एक बार शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मुझे अच्छा लगेगा जब बच्चों की संख्या अधिक होगी। संडे, मैं मानता हूँ कि संडे फंडे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को बयां करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के बारे में, ठीक है। सर ये आपसे मैं नरेंद्र जाट जी,
चलिए कोई बात नहीं नरेंद्र जी, देखिए जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अगर आज की मजाक, अगर आज आप लोग अपने समय को अपने अनुसार नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जो तुम्हें नकार देगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपके लिए कि ये वक्त की फिसलन है, तुम यूँ फिसल जाओगे, ये वक्त की फिसलन है, तुम यूँ फिसल जाओगे। आएगा हवा का झोंका, तुम झोंके में बह जाओगे। रुको सोचो समझो कि तुम्हें जाना किधर है, रुको सोचो समझो कि तुम्हें जाना किधर है, वरना एक समय ऐसा आएगा तुम किनारा नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब ये समय ऐसा आता है, उसी समय आप नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी समय लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, यही समय सबसे ज़्यादा भटकाव वाला होता है और यही समय जीवन को सवारने का होता है। तो ये समय है एक अपने आप को संभालने का। बातचीत करते रहिएगा लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, अपने ध्यान पढ़ाई से ना हटे। आप जिस उद्देश्य के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, आप बेशक चाहे अतुल कुमार मसौतिया को पैसे ना दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भैया यूट्यूब देखने पे डाटा खर्च कर रहे हैं जिसके लिए पैसा खर्च हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इससे संबंधित जानकारी और कोर्स चाहिए 4498879709 इट्स माई पर्सनल नंबर, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें आप यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो परिश्रम की आग में तपने से क्यों घबराते हो, ये बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह आपको तपना होगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो सूर्य क्या है, सूर्य और सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक क्या है भैया, एक तारा है। सूर्य या सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। बात समझ में आ गई, क्या घूमते हैं, इसके चारों तरफ सभी अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, अर्थात हमारे सौर मंडल में इससे बड़ा कोई खगोलीय पिंड नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कह रहे हैं अंजलि वर्मा जी, बिल्कुल सही है कि हम अपना समय खर्च कर रहे हैं, और ये बात कही जाती है समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करते, यानी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करते, इसको बेकार मत करिएगा मित्रों। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसके व्यास लगभग कितना है, 13,90,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से 109 गुना अधिक। जो सूर्य का सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है सूर्य, उसका जो व्यास है 13,90,000 किलोमीटर का है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग कितने गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है भैया, 109 गुना ये बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, औसतन इसको 13 लाख बताया जाता है। ठीक भाई, चले बड़े आगे, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैं एक बार लिखा देता हूं अगर किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ही करना है। ठीक है, ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार, ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से किस कारण होता है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम। अभी आपने देखा कि मैंने क्या करा, अभी आपने देखा मैंने तारों का निर्माण बताया, तो तारों के निर्माण बताते समय मैंने आपसे कहा कि तारा ब्रह्मांड में गैसों का मेघ प्रभावित होता है, वो मेघ लगातार घूमने लग, मेघ मतलब बादल, वो घूमने लग जाता है। जब वो ऐसे वृत्ताकार आकृति अंडाकार आकृति में घूमता है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होने लग जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगती है,
और हीलियम भारी पदार्थों में कन्वर्ट होती है और भारी पदार्थ लोहे में बदल जाते हैं और वह लोहा सख्त हो जाता है जो हमारा क्या कहलाते हैं भैया, ये सब तारे कहलाते हैं। ब्लैक डर्फ यानी काला तारा, लाल तारा, ठीक है, रक्त दानव, ब्लैक डर्फ, ये आपको बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट बिल्कुल करते रहे। देखिए क्लास लाइव इंटरेक्शन में अगर रहेगी, परस्पर क्लास अगर रहेगी, रेसिप्रोकल अगर टीचिंग में रहती है तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए भागवती जी स्वागत है। चलिए परमाणु, देखिए परमाणु विलय की प्रक्रिया, या तो इसको परमाणु विलय की प्रक्रिया कह सकते हो या नाभिक के संलयन की क्रिया कह सकते हो, ठीक है। द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है, क्या करता है, ऊर्जा पैदा करता है, और सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक छोटा सा भाग, एक नन्ना सा चुटकी सा, चुटकी से भी कम भाग कहां तक पहुंचता है भैया, पृथ्वी तक पहुंच पाता है। पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, जल्दी से आंसर करो भी बताओ। चले बढ़े आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है इस बात को देखें। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो 14.98 कितनी है, 14.98 यानी 14,98,00,000 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है पृथ्वी से। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा तारा है, तो आंसर आना चाहिए आपका कौन सा भैया, आंसर आना चाहिए आपका सूर्य। पृथ्वी के सबसे करीब दूसरे नंबर का कौन सा तारा है, तो आंसर आना चाहिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कौन सा आना चाहिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसके बारे में भी, ठीक है। बहुत बढ़िया राजकुमार राजी, बिल्कुल आपने सही कहा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड और 16 पल्स लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नरेंद्र जाट जी ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। और जो कल की, शायद मेरी हो सकता है कल की छुट्टी रहे, मैं उम्मीद, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन की भी छुट्टी ना रखूं, ठीक है, कंटिन्यू आपको क्लास दी जाए। लेकिन अब के बाद जो क्लास होगी आपकी दोस्तों, क्लास जो होगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा, जिसके लिए मैं आपको बार बार नंबर लिखता हूँ भाई, ये नंबर, इस नंबर के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज की क्लास आपकी होगी तो कितने बजे से होगी। जैसे संडे में मैंने क्लास रखी तो सबके पास पर्सनल नोटिफिकेशन भेज दिया, जो बच्चे कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं क्लास कैसे होती है, ठीक है, वो जानते हैं क्लास कैसे होती है। बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं राजकुमार जी आप बहुत फैक्ट क्लियर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बताते चलो, ठीक है। अब इसमें दिया, देखो इसमें दे दिया 8 मिनट 18 सेकंड, जो कि गलत है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे पूछा जाता है कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड पूछा जाता है, या 8 मिनट 8.3 पूछ लेता कभी कभी, अगर पूरा ही पूछ ले तो 8.16.3 ऐसे करके पूछ लेता है, तो इसमें आप परेशान ना हो, लंब सम में पूछता है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप। राज भाई दिल तो पागल है, अरे किसका दिल पागल हो गया भाई, दिल को पागल ना करें। इसी प्रकार से ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का एक आधार बनती है, जीवन का क्या बनती है, एक आधार बनती है, ठीक है, बात क्लियर हुई सभी की। अब एक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या डाटा दिखा रहा हूँ, एक ऐसा आंकड़ा जिसको देखकर आप लोगों के बहुत सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ शांतिपूर्ण क्लास चल रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच लल्लू तुरु जी। देखिए पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर मैं देखूँ
पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, यहां हम बात कर रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के संबंध में, पृथ्वी और सूर्य के संबंध में बातें हो रही हैं, तो उस बात को समझे। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 14.70 यानी 7 करोड़, ठीक है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, मैंने आपको बताया 13,92,000, कहें कि 13,90,000 आता है, तो 13,92,000 किलोमीटर, यानी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कभी कभी एक बुक्स अलग अलग बता देती है, इसमें आप परेशान नहीं। रानी जी, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आपस में बात भी करते रहो और आपस में पढ़ते भी रहो, मैं भी बहुत बतूनी हूँ, मुझे भी बात करने की बहुत आदत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बात होती रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। सर मेरे बीए में इंग्लिश हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी है, सीटेट में हिंदी और संस्कृत में जूनियर में किस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकती हूँ, प्लीज सर हेल्प मी। सीमा मौर्या जी, आप मुझे ये बताएं बीए में जो आपकी रही है हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी और आपकी रही है इंग्लिश, आपकी 2 वर्षों तक जो सब्जेक्ट आपका बीए में रहा है, दो वर्षों तक आपका जो सब्जेक्ट बीए में रहा है आप उसी को डालना। आप इसमें से तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको मिलना चाहिए एसएसटी, आप एसएसटी को चुने क्योंकि आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है और सोशोलॉजी पढ़ी है, तो हिस्ट्री और सोशोलॉजी दोनों इंडिकेट करती हैं आपकी एसएसटी की। और तीसरा आपने सब्जेक्ट बताया इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी 2 साल तक रही है तो आप लोग इंग्लिश से भी डाल सकते हैं, यानी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। सर स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल ले लीजिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा आपको, ठीक है भाई। चलिए सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास कितना है भैया, सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी की तुलना में जो आयतन की बात करूं तो कितना, पृथ्वी की तुलना में जो आयतन कितना बड़ा है, आयतन है 13,00,000 गुना। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का आयतन 13,00,000 गुना बड़ा है, जबकि व्यास की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 109 गुना बड़ा है, ठीक है। पृथ्वी की तुलना में अगर द्रव्यमान की बात करूं तो 3,32,000 गुना, ये साफ साफ डाटा आपके सामने है। सूर्य का पृष्ठ ताप यानी सूर्य का जो वायतम ताप होता है, जो पृष्ठीय तापमान होता है, वो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य के धब्बों का तापमान, सूर्य के धब्बे का तापमान जो होता है ना भाई वो 4500 डिग्री होता है, 4500 डिग्री यानी 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता, यानी एक मानकर चलें आपका जो बाहर का तापमान है वो 6000 डिग्री है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सूर्य की जहाँ से सौर ज्वालाएं निकलती हैं वहाँ तापमान कम हो जाता है, तो कितना कम होता है, 1500 डिग्री कम हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा आपका आएगा 4500 डिग्री सेल्सियस, यानी जहाँ पर सूर्य के काले धब्बे होते हैं वो काले धब्बे किस नाम से जाने जाते हैं, उनको सौर कलंक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम सौर कलंक कहते हैं। अच्छा अच्छा 50% से अगर किसी का कम है तो 50% से कम वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, 50% से कम वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये सरकार का अभी हाल ही का नियम है, लेकिन इस पर बात चल रही है। अगर आप भी चाहते हैं इस पर आवाज़ उठाना तो आप लोग मेरे इस पर्सनल नंबर पर मैसेज डाल दें, क्योंकि हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को न्याय मिल पाए जो सरकार उनके साथ गलत कर रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें। क्योंकि सरकार ने जब पहले विज्ञप्ति जारी की थी उस समय पे क्या था, उस समय पे आपका 50% का क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन इस बार 50% का क्राइटेरिया लगाकर उन बच्चों को असहाय कर दिया जिन बच्चों के 50% से कम मार्क्स आते हैं। ये मैं समझ रहा हूं, अंशु शर्मा जी कह रही हैं सोशल स्टडी बेस्ट है, ये वेस्ट ना माने बेस्ट लिखना चाह रही हैं, ठीक है। सूर्य की अनुमानित आयु की बात करता हूं तो कितना आता है भैया, 5 बिलियन वर्ष, कितनी आती है सूर्य की अनुमानित आयु जो है वो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष आती है, कितनी आती है मित्रों, 5 बिलियन वर्ष आती है। बात समझ में आई सभी के, सर इंग्लिश एंड हिस्ट्री के
हिस्ट्री में 3 ईयर्स एंड सोशोलॉजी 2 ईयर्स, तो आपके पास पूरा ऑप्शन है। सीमा मौर्या जी, आप इंग्लिश भी ले सकती हैं, आप सोशोलॉजी भी SST ले सकती हैं, दोनों में से किसी एक को चुन लीजिएगा जिसमें आपको अच्छा लगे। आपको मन बनाना है, दोनों मत भर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोनों भर दोगे तो फिर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे देखिएगा, आगे क्या कहानी है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, मतलब जो हम बिना उपकरण बिना दूरबीन का सहायता लिए जिस भाग को हम आंखों से देख लेते हैं, उसे प्रकाशमंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वायतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं हम? कोरोना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? कोरोना कहते हैं। यानी कोरोना सूर्य का वह सबसे बाहर वाला भाग होता है जो हमें केवल और केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। बात समझ में आई भाई सभी के? जल्दी से समझ में आ गई तो शेयर कर दो एक बार, मजा आ जाना चाहिए क्लास में। चलिए, मेरे तो 58% है। लालू तुरी जी, अगर आपके 58% है, यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ जूनियर एडेड टीचर इन यूपी। यूपी में आप जूनियर एडेड टीचर के फॉर्म फिल करने के लिए योग्य हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल फ्रेंड। चलिए, आयुषी यादव जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। चलिए, कभी कभी प्रकाश मंडल से, कभी कभी क्या होता है, प्रकाश मंडल से परमाणु का एक तूफान तेजी से निकलता है और सूर्य की आकर्षण शक्ति से पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे ही सौर ज्वाला या सौर, इसे क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। मतलब ये क्या है कि अगर ये सूर्य है, यहां से एक आग निकलकर बाहर भग गई, ये बाहर भग गई, ये मान के चलना, तो ये क्या कहलाएगी? ये तो ज्वाला कहलाएगी। कैसी ज्वाला? ये सौर ज्वाला कहलाएगी। और जहाँ से निकल के जाएगी ना, जहाँ ये गड्ढे पड़ेंगे, ये जो गड्ढे पड़ेंगे, ये इसको कहा जाएगा सौर कलंक। इसको क्या कहा जाएगा भैया? इसको कहा जाता है सौर कलंक। और इन्हीं का तापमान होता है 4500 डिग्री सेल्सियस। इन्हीं का तापमान कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो बाहर का तापमान होता है, यहाँ वाला, इसका जो तापमान होता है पृष्ठ तापमान, वो कितना है आपका? 6000 डिग्री सेल्सियस। अंदर का तापमान कितना है? अंदर का है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूर्य के अंदर का तापमान है दोस्तों। ठीक है भाई, कभी मैंने बताया ये। अब आगे चलें, चलिए आगे हम चले। जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है, जब सूर्य से वह ज्वाला निकलेगी तो वायुमंडल में भागने लगेगी, और जब वह वायुमंडल में भागती दौड़ती कूदती फांती वह ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी, तो हम पृथ्वीवासियों को क्या हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा, जिसको कहेंगे हम अरोरा। क्या कहेंगे? ये कहेंगे हम अरोरा की लाइट कहेंगे। ठीक है, जिसे उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर देखा जा सकता है, और उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। मतलब कहने का ये है मित्रों कि अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है भाई आपकी? ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर ज्वाला अगर दौड़ती हुई आ रही है और यहाँ कुछ चमकने लगा, ये चमकने लगे, तो ये आपका यहाँ उत्तरी ध्रुव, और ये अगर ये टकराती हुई इधर आ जाए तो ये आपका दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ क्या कहलाएगी? ये जो उत्तरी दिशा में कहलाएगी आपकी अरोरा बोरियालिस, और दक्षिण ध्रुव में क्या कहलाएगी? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है
वहां से काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं सौर, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता भी नहीं, सौर कलंक कहा जाता है। बात समझ में आई मेरे? कोरोना इज द लाफिंग बर्ड्स राजी, बिल्कुल। वर्तमान में कोरोना जो है वाकई बड़ा मजाक है, और भारत में एक इंडिया ऐसा कंट्री है जिनने कोरोना जैसी बीमारी को मजाक बना दिया। मतलब सोच रहा होगा कोरोना भी कि यार इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं। बिल्कुल लालू त्रु जी सही कह रहे हैं कि सीमा जी आप SST से फॉर्म फिल कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा SST से जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ये रहा आपका ग्रह, ये तो मैं बता चुका हूँ भी ग्रह क्या होते हैं, ग्रह के बारे में तो जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको। ठीक भाई, तो मेरे अनुसार क्लास को, तो जितने लोगों को भी क्लास अच्छी लगी है अपने फीडबैक आप क्लास खत्म होने के बाद देना, तब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चले दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप लोगों से लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।